बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने श्रद्धा और निधि मामले में मोदी सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है और वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष की चुप्पी पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं साक्षी महाराज ने क्या कहा। जब सरकार में केंद्र में मोदी की सरकार है, लोगों को भयाक्रांत होना चाहिए, उसके बाद भी लोग हिमाकत कर रहे हैं तो मुझे लगता है सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और दोषियों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए ताकि फिर कोई मनचला इस प्रकार की हिमाकत कर न सके। तथा कथित सैकड़ोंवादी जितने लोग हैं सबको सांप सूंघ गया है। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, अगर अन्य जाति की किसी महिला के साथ ये हुआ होता तो विश्व के सैकड़ों देश हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए होते, परंतु श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए तो सबको सांप सूंघ गया। न इसमें राहुल गांधी कुछ बोल रहे, न सोनिया गांधी कुछ बोल रही, न अखिलेश यादव कुछ बोल रहे, न ममता कुछ बोल रही, न केजरीवाल कुछ बोल रहे। तो ये तथाकथित सैकड़ोंवादी हैं, केवल फूट डालो, राजनीति करो, वोटों की राजनीति करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इनका देश से, धर्म से कोई रिश्ता नहीं है।